ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं सभी ई मित्र क्योस्क को सिखाने वाला हूं कि अगर आपने ई मित्र के माध्यम से लेबर कार्ड के लिए आवेदन किया था, वह लेबर कार्ड बन चुका है और उसके अंशदान का भुगतान आप कर चुके हैं, तो सबसे पहले ऑनलाइन लेबर कार्ड के लिए आवेदन करना होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है स्टेटस देखना। स्टेटस के अंदर अगर सैंडबैग आता है तो उसको वापस जो भी कमी बताई है उसकी पूर्ति करके रिसबमिट करना होता है। तो ये तीनों वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो उसका पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट का वीडियो भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो इन सभी वीडियो को एक बार देख ले। ये सभी वीडियो देखने के बाद आप आगे का प्रोसेस समझ पाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपने पेमेंट कर लिया, उसके बाद आप ऑनलाइन बड़े ही आसानी से ई मित्र के माध्यम से लेबर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेबर कार्ड डाउनलोड किस प्रकार से होगा, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। श्रमिक कार्ड का पेमेंट करने के बाद श्रमिक कार्ड डाउनलोड करने के लिए यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है। ई मित्र पे लॉगिन हो जाने के बाद सर्च के अंदर लिखना है लेबर इशू, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेबर इशू आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे श्रम पहचान पत्र जारी करने की सेवा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आप जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यानी कि आवेदन क्रमांक डाल के सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे चेक बॉक्स, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, फादर्स नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ दिखाई देंगी। तो चेक बॉक्स पे जस्ट आप क्लिक करेंगे और जनरेट आई कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपने पेमेंट किया है तभी यहाँ पे आई कार्ड जनरेट होगा। तो पेमेंट करने का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो जनरेट आईडी कार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो प्रिंट पे क्लिक करके इस प्रकार से इसकी आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये तरीका था 2024 के अंदर लेबर कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने का। एक बार आपका लेबर कार्ड डाउनलोड हो गया तो उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपको किसी भी सरकारी योजना में आवेदन करना है जो कि लेबर कार्ड से जुड़ी हुई है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन योजनाओं का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में जो भी सरकारी योजना है जो कि लेबर कार्ड से जुड़ी हुई है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और उन योजनाओं का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। अब जो आपका लेबर कार्ड बन चुका है, ये आपने एक साल के लिए बनाया है। अगर आपने एक साल का अंशदान भुगतान किया तो एक साल के लिए बनेगा, पाँच साल का किया है तो पाँच साल के लिए बनेगा। तो जैसे ही पाँच साल कंप्लीट हो जाएगा तो इसको रिन्यू करना होगा यानी कि नवीनीकरण करना होगा। तो नवीनीकरण करने का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो जैसे ही आपका ये लेबर कार्ड एक्सपायर होता है तो उसके बाद इसका नवीनीकरण होता है, तो सभी ई मित्र क्योस्क को इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो नवीनीकरण का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।